हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इग्नू के न्यू नोटिफिकेशंस के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज काफ़ी सारे मीडिया हाउसेस ने इस न्यूज़ को चलाया है और यहाँ पे आप लोगों ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर ये न्यूज़ भी देखी होगी। ऑनलाइन के माध्यम पर है और पहली बार ये यहाँ पर कुछ बदलाव आपके रिपोर्ट्स में किए जा रहे हैं, जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ध्यान से और कम्प्लीट जरूर देख लें। यहाँ पर क्लियर पॉइंट पर बात करूँगा ताकि आप सभी को सारे पॉइंट क्लियर हो जाएँ। और यहाँ से एक पॉइंट और क्लियर होने वाला है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम इग्नू में पॉसिबल है या नहीं। देखिए, अभी जो इग्नू ने नोटिस निकाला है उसमें कहा जा रहा है कि आपकी जो रिपोर्ट है, जो फील्ड वर्क है, वो ऑनलाइन कराया जाएगा, जिसमें आप ऑनलाइन कंप्लीट करके सबमिट कर पाएंगे। जो पहले आपके ऑफलाइन कराए जाते, जिसमें आपको फील्ड सर्वे हुआ करते, जिसमें आपको जाना पड़ता था, ठीक है। वैसे ही बात करें तो इन्वायरमेंट का, जो बच्चे आपके फर्स्ट ईयर में हैं उन सबको पता होगा कि इन्वायरमेंट के लिए एक फील्ड वर्क होता है, जो कि इग्नू ने कैंसिल कर दिया था 2020 में, ठीक है, जो पहली बार होना था लेकिन वहाँ पे कैंसिल कर दिया गया था बिकॉज कोविड की वजह से। सो तब से वो इन्वायरमेंट वाला तो एक तरह से कैंसिल हो चुका है, उसके बाद से अब देखने को नहीं मिलते। लेकिन जो फील्ड वर्क है, जैसे आपका BHWG में आपका फील्ड वर्क है, तो वो आपके लिए कंप्लीट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको रिपोर्ट के माध्यम से बनाना पड़ता है। तो अब इग्नू ने यहाँ पे ये नोटिस जारी करते हुए ये ऑनलाइन करने की बात कही है और साथ ही डिफरेंट मीडिया हाउसेस ने भी ये अपडेट जारी की थी, जिसमें आप सभी ने देखा होगा टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ वो मीडिया क्लिप्स को, तो आप लोग चाहें तो उसे भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। सो यहाँ पर बात कही है कि जो आपका फील्ड वर्क था, अभी कोविड है जिस वजह से आपका जो फील्ड वर्क है अब वो ऑनलाइन किया जाएगा, और BHW में ये कोर्स में आपका जो फील्ड वर्क है, जो प्रैक्टिकल वर्क है, वो आपका एवरी सेमेस्टर में कंडक्ट होना कंपलसरी था। उसके अलावा बात करें तो ये फील्ड सर्वे हैं जो कि आपको कंप्लीट करने आवश्यक होते हैं बिकॉज इनके भी अलग से मार्क्स होते हैं। उसके अलावा बात करें यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर करना क्या है वो देख लो एक बार। सो 5 रिपोर्ट ओरिएंटेड विजिट होती हैं आपकी, जो आप डिफरेंट NGOs के जरिए या कोई एजेंसीज़ के जरिए आप कर सकते हैं, ठीक है, उनके थ्रू आप लोग कर सकते हैं। और इसमें एक कंडीशन क्या है कि एजेंसीज़ वो हों या NGOs वो हों जी, आप या तो महिलाओं पे वर्क कर रहे हों या चिल्ड्रंस पे, तो उन NGOs का सहारा आप ले सकते हो रिपोर्ट्स को तैयार करने में। कुछ इस प्रकार से आपको अपनी पूरी रिपोर्ट रखनी है, जिस यहाँ पे पूरे इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग कंप्लीट करें। इस प्रकार से आपको पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, एड्रेस, मिशन स्टेटमेंट, मोटो आपको बताना पड़ेगा उस इंस्टीट्यूशन का, फिर ऑब्जेक्ट क्या है उसका, फिर आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिखने पड़ेंगे उनके नेम, और फिर जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं उनके बारे में, फिर टाइप ऑफ वर्क, किस प्रकार का वर्क उस NGO के द्वारा किया जाता है, वो सभी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। साथ ही नंबर ऑफ नेचर एंड बेनिफिशरी, जो भी उनसे प्रभावित हैं, लाभान्वित हैं, उन सब के बारे में आपको डिटेल्स यहाँ पर मैंशन करनी पड़ेगी। उसके साथ ही ये परफॉर्मा आपको तैयार करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके यहाँ पे कुछ और पॉइंट है जो आपको सेकंड के रिगार्डिंग देखने होंगे। सो BHWL में 105 में आपको इस प्रकार से करना है, फिर 106 है तो उसमें इस प्रकार से आपका पूरा गाइडलाइंस यहाँ पे मेंशन है। नोटिस जो है वो आपके साथ में टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख पाएंगे। सो ओवरऑल बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, यार देखो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है टर्म एंड एग्जामिनेशन 2020 के आपके जून 2021 में होने चाहिए थे कायदे से, बट अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसको लेकर भी कई सारी अपडेट्स की बात कही जा रही है। इसमें जो मीडिया हाउसेस ने न्यूज़ चलाई थी उसमें ये भी कहा गया था 2020-21 के टर्म एंड एग्जामिनेशन से जुड़े नोटिफिकेशंस के बारे में, तो ये उससे रिलेट करता है। लेकिन अगर मैं बात कहूँ कि एग्जामिनेशन को लेकर कोई अपडेट, तो अभी इग्नू ने इस पर कोई भी बात नहीं कही है। और जहाँ तक बात है, जितना डिले करेंगे उतना प्रॉब्लमेटिक होती जा रही है, बिकॉज अब यार हम जिस तेज़ी से थर्ड वेव की ओर बढ़ रहे हैं ना, उसके संकेत ऑलरेडी एम्स के डॉक्टर्स भी दे चुके हैं। तो यहाँ पे कोई दो राय नहीं कि थर्ड वेव की ओर हम बढ़ रहे हैं और कोविड के चांसेस और कोविड के केसेस आगे जाके बढ़ने वाले हैं। अभी अगर हम बात करें तो हमारी पूरी कंट्री में बहुत कम अमाउंट में ही वैक्सीनेशन हो पाया है, तो ये एक चिंता का विषय है। सो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक्चुअल में आप सभी लोग जो ट्विटर कैंपेन कर रहे हो उसको करते रहो, मैं भी अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूँ आप सभी से जुड़ने का और ट्वीट करने का, ताकि इग्नू की ओर से कोई रिस्पांस मिले हमें और आपका जो सक्सेसफुल मूवमेंट है वो सक्सेसफुल हो। और दूसरी बात, इग्नू की ओर से अभी जो सिचुएशन है, डिले करना पॉसिबिलिटी नहीं है, डिले करने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाले। देखिए, अगर ऑफलाइन के लिए भी जाते हैं, कोविड की थर्ड वेव की संभावना पूरी तरह व्यक्त की जा चुकी है, तो हो सकता है इन फ्यूचर फिर से लॉकडाउन लग सकता है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप इन फ्यूचर में एग्जामिनेशन कंडक्ट करा पाएँ।
तो वहाँ पर चांसेस नहीं है। तो डिले करना टाइम वेस्ट है इस टाइम पर बिल्कुल टोटली। तो यहाँ पर या तो ऑनलाइन के बारे में सोचें, असाइनमेंट बेस्ड सोचें, या फिर कुछ और तरीका निकालें, लेकिन ऑफलाइन कराना या फिर डिले करना दोनों ही वेस्ट ऑफ टाइम है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ पाएँ। जो हमारा मोटो है, जो हमारा मिशन चल रहा है, कैंपेन चल रहा है, उसको जारी रखें, सभी बच्चे जुड़ें ताकि ये कैंपेन जो है वो सफल हो पाए। आपकी जो एग्जामिनेशन संदर्भ में बात है, आप सभी का फ्यूचर बर्बाद ना हो, टाइम बर्बाद ना हो। आप सभी लोग प्रयास करें, तैयारी करते रहें। एग्जामिनेशन को लेकर गाइडलाइन जैसे ही आएगी आप सभी को अपडेट मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, इसको शेयर कर दें, अपने जो भी सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।